प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम सत्य कुमार है। आज हम लोग एक नया उद्देश्य और नई प्रोग्राम लेकर, कार्यक्रम लेकर आपके बीच में हाजिर हैं। और इस कार्यक्रम को रखने का जो उद्देश्य है कि साधु किशन सिंह फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, और उस ट्रेलर की खुशी में ये प्रोग्राम रखा है। हमारे बीच में प्रभु की दासी सिस्टर संगीता हैं, और परमेश्वर के वचन को देने के लिए पास्टर नोएल भी हमारे बीच में है, और हम साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रभु की बड़ाई करेंगे। और साधु किशन सिंह फिल्म बनाने का हमें 6 साल लगा, और ये महामारी कोरोना के वजह से 6 साल लगा, और अभी फिल्म तैयार है। उस फिल्म का हम ट्रेलर आज रिलीज करने जा रहे हैं, और ट्रेलर रिलीज होने से पहले आज हम आगे का सेवकाई को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे बीच में प्रभु की दासी सिस्टर संगीता आउले हमारे बीच में आएंगे और वर्शिप आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो आप मुझे सब इस वक्त सुन रहे हो इस माध्यम के द्वारा, आप सभी प्रियजनों को यीशु मसीह में सलाम। हालेलुया। क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के द्वारा आज साधु किशन सिंह का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, और हम इसके लिए प्रभु को महिमा दें, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि हम जानते हैं कि इस फिल्म बनाने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत प्रयास और बहुत कष्ट उठाया है, और आज इस फिल्म का रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है भाई सेठे कुमार, जो हमारे इस फिल्म के मुख्य डायरेक्टर के रूप में इन्होंने इस फिल्म को आगे चलाया है और बढ़ाया है। तो आइए उसके, लेकिन उससे पहले आइए हम स्तुति और आराधना हमारी होठों की भेंट हम प्रभु को दें। क्यों नहीं हमारे मुख से, हमारे होठों से हम उसे कहे, हमारे दिल से उसे कहे, प्रभु कि मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। तो आइए हम इस गीत को हम गाएं, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया, हम सभी जन अपने हाथों को और तालियों के साथ हमारे प्रभु की हम महिमा करें। तेरी महिमा
हालेलुया, हालेलुया। वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, उसके रहमत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जी, उसके रहमत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जी, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा। जिंदा है हम सब यहाँ, हाँ, उसके कर्म से बनी है जमीन आसमान, उसके फजल से ही जिंदा है हम सब यहाँ, उसके कुदरत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जीत, उसके कुदरत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है यीशु मेरा जिंदा खुदा, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा। ओ वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, वायदे को पूरा करने वाला खुदा, कहकर न पीछे हटने वाला खुदा, उसके रहमत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जी, उसके रहमत के गाँव सारे गीत, उसने मृत्यु पर पाई है जी, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा, कि यीशु मेरा जिंदा खुदा। सृष्टि कितनी सुंदर हो गई। आज आपके जीवन में भी यदि अंधियारा है, सुनसान बेडोल है, गहरे जल
से आप जा रहे हो, लेकिन वहां पर उस स्थिति में परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है, आपसे कुछ कह रहा है, और तब से आपका जीवन बिल्कुल सुंदर होते जाता है। आइए हम इस गीत को सुने और आराधना करें। करें आमेन। कुछ हो रहा
हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि सिस्टर संगीता ने बहुत सुंदर आराधना और वर्शिप किया, और परमेश्वर की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी ने सिस्टर का आराधना के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, और आप सभी को परमेश्वर बहुत आय से आशीष करें। अब आगे का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम अब वचन की ओर जा रहे हैं, और वचन के लिए आत्मा में आप तैयार रहें और उत्साहित रहें, और वचन के द्वारा हम आज कुछ बातें हम सीखेंगे, समझेंगे और परमेश्वर की महिमा इस तरह से करेंगे। और वचन देने के लिए प्रभु के महान दास पास्टर नोएल जो हमारे बीच में आ रहे हैं, लास्ट होप चर्च नाला सोबारा से हमारे बीच में वचन देने के लिए आ रहे हैं, और परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई वेलकम यू ऑल, आई ग्रीट यू ऑल इन द स्वीट and the matchless name of Jesus Christ of Nazareth. मेरे भाइयों बहनों, सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया सभी को। आज आप सब यहाँ पर ऑनलाइन जुड़े हैं, साधु किशन सिंह जी उनके जीवन पर आधारित फिल्म, वो आज उसके ट्रेलर को हम लोग दिखाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रिलीज द ट्रेलर ऑफ साधु किशन सिंह जी बेस्ड ऑन हिज लाइफ, द मूवी बेस्ड ऑन हिज लाइफ। आई थैंक पास्टर सत्य कुमार, फाउंडर ऑफ क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। पास्टर सत्य कुमार क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म के फाउंडर, उन्हें आज मैं धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन, इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए, और धन्यवाद करता हूँ मुझे यह मौका दिया बोलने के लिए, परमेश्वर के वचन आपके साथ शेयर करने के लिए। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। सो एज वी हैव गैदर्ड इन दिस प्लेस, my dear brothers and sisters, yes, also thank you sister Sangeeta Awale, servant of God, for beautifully leading us in worship. Sister Sangeeta Awale ji ko bhi main bahut bahut dhanyawad karta hu, bahut hi sundar tarike se aradhana mein unhe hame lead kiya. Prabhu ki dasi hai, bahut hi namra parmeshwar ki sevikai karti hai, aur pure भारत भर में लाखों बार उन्होंने परमेश्वर की आराधना, लाखों गीतों के जरिए लाखों बार उन्होंने परमेश्वर के लिए गीत गाए होंगे अलग अलग मंचों पर। तो बहुत ही नम्र परमेश्वर की दासी, हमें यह सौभाग्य मिला कि उनके साथ हम पूरे उत्तर भारत और नेपाल में जाके एक महीना तक हम लोग सेवा कर रहे थे। थैंक यू सिस्टर संगीता आवाले, आमीन। बहुत ही नम्रता पूर्वक उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई करती है और आज भी कर रही है, इसके लिए परमेश्वर उनको और आशीष दे। सो जैसे हम आज आगे बढ़ते हैं, ये जो ट्रेलर क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स रिलीज कर रहे हैं, ये जो पिक्चर है साधु किशन सिंह जी, इस परमेश्वर के दास, उनके जीवन पर आधारित है, और ये इसलिए बनाई गई है ताकि उनके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग उत्साहित हो जाए, अनेक अनेक लोग अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करें, और अनेक अनेक लोग अपना जीवन परमेश्वर के लिए जिए, आमीन। इसका मुख्य उद्देश्य, और पास्टर सत्य कुमार इस क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स के फाउंडर बहुत ही मेहनत की है, लगभग 4 साल से वो इस प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हैं। बीच में लॉकडाउन आया, काफ़ी संघर्ष, काफ़ी समस्या आप जानते हैं जो सभी को आई है, तो उन्हें भी फेस करनी पड़ी, और आखिर
जो बोलते ना ये मूवी बन के अब तैयार है, हालेलुया। और आज उसका ट्रेलर जो रिलीज हो रहा है, मेरे भाइयों बहनों आप देखिए और आपको अच्छा लगा आगे भी शेयर कीजिए। प्रेज गॉड। अभी कुछ लोग आप में से सोचते होंगे, हम सुने हैं अपोस्टल से, प्रॉफिट से, पास्टर से, टीचर से, इवेंजलिस्ट है, है ना, लेकिन ये साधु, हाउ कम दिस साधु इन क्रिश्चियनिटी? हालेलुया। ऐसे आपने सोचा होगा क्यों, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपने साधु सुंदर सिंह, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट साधु सुंदर सिंह द ग्रेट सेंट ऑफ इंडिया। हालेलुया। ये साधु सुंदर सिंह जो है, इन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जैसे उन्हें भारत में ही परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना था, तो भारत के लोगों को एक, है ना, साधु करके, साधु के भेष में अगर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा तो अच्छा होगा करके उन्हें लगा, और उन्होंने उस साधु का भेष को अर्पण किया, क्योंकि साधु का भेष को देखते ही लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना, बाकी कुछ करना नहीं पड़ता है। सो इसीलिए वो साधु का रूप धारण करके साधु सुंदर सिंह जी ने वचन को उत्तर भारत, तिब्बत, उस जगह पर सब प्रचार किया और दुनिया के सारे कई देशों में वे गए। आमीन। सो ये आज ये साधु किशन सिंह, इनका जो मूवी बनाया है, ये उनके भतीजे हैं। साधु किशन सिंह इज अ नेपिव ऑफ साधु सुंदर सिंह। हालेलुया। उनका बहन का लड़का है। आमीन। तो मेरे भाइयों बहनों, तो साधु सुंदर सिंह की जो बहन थी, उन्हें बच्चे नहीं थे, और जब साधु किशन, साधु सुंदर सिंह प्रचार करके यहाँ वहाँ जाते, और एक बार वो अपने बहन से भी मिले, तो उन्होंने, उनके बहन ने बताया, शादी करके बहुत साल हो गए भैया, मुझे बच्चे नहीं हैं। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हालेलुया। और साधु सुंदर सिंह ने उनके लिए, बहन के लिए दुआ किया, और दुआ करने के बाद उन्होंने कहा, बहन परमेश्वर तुझे एक संतान देगा, लेकिन वो मेरे जैसा साधु बनेगा। आमीन। हालेलुया। वो मेरे जैसा क्या बनेगा? साधु बनेगा। तो बहन बोली, ठीक है भैया। आमीन। और ऐसा ही हुआ, उनको एक लड़का हुआ। बहुत सालों के बाद उन्होंने बहुत सारे खर्चे किए थे, पैसे, डॉक्टर इधर उधर सब जगह पे, बहुत अमीर थे वो लोग, तो लेकिन कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन साधु सुंदर सिंह जी ने प्रार्थना करने के बाद उन्हें वो संतान हो गई। हालेलुया। और उन्होंने कहा, ठीक है, हम अपने बेटे को परमेश्वर को अर्पण करते करके उसको बाइबल सिखाएंगे, सारी बातें हम सिखाएंगे करके कहा। आमीन। और उनके बहन को उस दिन से, उसके बाद उनको और 9 बच्चे हो गए, टोटल 10 बच्चे होंगे। आमीन। तो ये उनका जो पहला बेटा साधु किशन, किशन यानी पहला बेटा, और उनकी लास्ट बेटी, 10वीं बेटी शांता, है ना, इन लोग दोनों सेविका में आ गए, परमेश्वर की सेवा में आ गए, किशन और शांता, तो दोनों प्रभु की सेवा में आ गए। आमीन। हालेलुया। वो स्टोरी वो तो पिक्चर में बताएंगे, ठीक है, पूरा तो मैं उजागर नहीं करूँगा इस वक्त। ओके। सो उन लोग सेवा में आ गए, और वो कैसे सेवा में आएंगे, कहाँ से उनको बुलावट हुई, बीच में बहुत सारी बातें हो गई, उनकी माँ ने मतलब बोला था, साधु सुंदर सिंह की बहन ने बोला था कि नहीं, हम अपने बेटे को परमेश्वर को अर्पण करेंगे, लेकिन बाद में उनके जो पति है ना, तो वो मुकर गए। आमीन। और बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारा सताव हुआ। आमीन। इतना तक हुआ कि साधु किशन सिंह को जो एक टीचर पढ़ाने के लिए आती थी, साधु किशन सिंह के पिता ने उसको तलवार से काट दिया, और उसका खून जो घर में बहा, वो जमीन के ऊपर क्रूस बन गया। आमीन। जमीन के ऊपर क्रूस बन गया। तो मेरे भाइयों बहनों, ये साधु सिंह, साधु किशन सिंह को जो बुलाहट हुई है, इसमें बहुत सारी बातें हुई है। उस टीचर ने अपनी जान इसको गंवानी पड़ी, इसको बाइबल सिखाते सिखाते।
मेरे भाइयों बहनों, तो परमेश्वर तो ये इसीलिए और उसके बाद उसके बावजूद भी ये सब साधु किशन ने अपनी आंखों से देखा, उसके बावजूद भी उसने अपने पिता से कहा मैं यीशु के पीछे चलूँगा। आमीन। आपने टीचर को काटा है तो मुझे भी काट दो, हम डरते नहीं। आमीन। तो मेरे भाइयों बहनों, ऐसे बहादुर परमेश्वर के दास। आमीन। हालेलुया। साधु किशन सिंह जी, हालेलुया, वो आज दुनिया में नहीं है, परमेश्वर के पास चले गए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप जानते हैं जो परमेश्वर के लिए जीते हैं वे मरने के बाद भी बोलते हैं। हालेलुया। उनकी गवाही मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया। सो आज हम देखते हैं डैनियल का 12वां अध्याय, उसका 3रा वचन कहता है, डैनियल, इफ यू लुक इन द डैनियल चैप्टर 12:3, दोज हु आर वाइज शैल शाइन लाइक द ब्राइटनेस ऑफ द फर्मेंट एंड दोज हु टर्न मेनी टू राइटियसनेस लाइक द स्टार्स फॉर एवर एंड एवर। टुडे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, साधु किशन सिंह जी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, ही इज विद द हेवनली फादर, बट His testimony is shining like stars forever and ever. You see, that's why we have made this movie. Okay, he has gone to be with the Lord, but his testimony speaks. That is how the Lord said that you will be like stars forever and ever. मेरे भाइयों बहनों, मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए हिंदी में पढ़ता हूँ, तब दानियल की 12वां अध्याय 3रा वचन, तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, साधु किशन सिंह जब जिंदा थे इस धरती पर थे, काफ़ी सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, अब वो जब परमेश्वर के पास चले गए उससे भी ज़्यादा लोग उसको जानेंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि ये परमेश्वर का वचन पूरा होना है जो कहता है वे सर्वदा तारों के समान अनंत काल के लिए चमकते रहेंगे, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये साधु किशन सिंह जी, ये सिस्टर शांता कौर जी, इन लोग सब हमें सदा सर्वदा के लिए तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। यस मेरे भाइयों बहनों, इन्होंने जो अपना जीवन प्रभु को दिया, ऐसे महान परमेश्वर के दासों का जीवन इस पिक्चर के अंदर आ रहा है और बहुत ही अद्भुत। ये जो मूवी बन रही थी इसका परमिशन सिस्टर शांता कौर जी ने दिया, लेकिन आप जानते हैं आज वो भी इस दुनिया में नहीं रही, अब शायद एक महीना पहले ही वो गुजर गई, परमेश्वर के पास आज मौजूद हैं, और इसलिए ये मूवी और भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। अब हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे भाइयों बहनों, सो ये महिमा, परमेश्वर की महिमा साधु किशन सिंह के साथ थी। साधु किशन सिंह जी ने प्रभु यीशु और उनके अंकल साधु सुंदर सिंह जी का अनुकरण किया, बोला कि नहीं हम भी ऐसे ही जिएंगे प्रभु यीशु के जैसे। वो विश्वास से जीने लगे, हालांकि इन लोग बहुत पैसे वाले थे, घर में रहकर जी सकते थे, लेकिन उनकी भविष्यवाणी भी हुई थी, प्लस उनके अंदर भी वो चाहत थी हम एक साधु जैसा बनकर जिएंगे। और वैसे ही बिल्कुल प्रभु यीशु के चेले कैसे जीते थे, वैसे ही ये साधु किशन सिंह जी भी जिए इस धरती पर। जैसे अगर आप लूका का 10वां अध्याय 2रा वचन देखते हो, लूका का 10वां अध्याय और 2रा वचन देखते हो, और उसने उनसे कहा एक पके खेत तो बहुत है, प्रभु यीशु ने कहा पके खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वहां अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। द लॉर्ड सेज देयरफोर सेड ही अनटू देम द हार्वेस्ट इज ग्रेट, द हार्वेस्ट, लुक चैप्टर 10:2, द हार्वेस्ट इज ग्रेट बट द लेबरर्स आर फ्यू, प्रे देयरफोर द लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट दैट ही वुड सेंड फॉर द लेबरर्स इनटू हिज हार्वेस्ट।
माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड द लॉर्ड कंटिन्यूस, और परमेश्वर आगे बढ़ते, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ. ही सेड गो योर वे, बिहोल्ड आई सेंड यू फोर्थ एज लैम्स अमंग वूल्स. मेरे भाइयों बहनों, सच में साधु किशन सिंह के जीवन बहुत सारी घटनाओं से भरा है. जैसे यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की नाई भेजता हूँ, और सचमुच उन्हें भेड़ियों के जैसा, भेड़ियों के जैसे लोगों ने उनको नोचा. बहुत सारी यातना, तकलीफ, बहुत सारे स्ट्रगल से ये जीवन उनका भरा हुआ था. चौथा वचन में हम लोग देखते हैं, इसलिए ना बटुआ ना जोली ना जूते और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो. कैरी नाइदर पर्स, वर्सेस चैप्टर 10:4, कैरी नाइदर पर्स नॉर स्क्रिप्ट नो शूज एंड सैल्यूट नो मैन बाय द वे. आमीन. बोलते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, कुछ भी मत लो. और साधु किशन सिंह जी ऐसे ही जीवन, जब वे निकले अपने घर से, इनके पास कुछ नहीं था. ये लोग जाके, एक ट्रेन थी उसमें जाके बैठ गए. पंजाब से ट्रेन निकल रही थी, उनको ये नहीं मालूम था ये ट्रेन किधर निकल रही थी. और पंजाब में उनको जान से मारने के लिए उनके भाई लोग भाग के आ रहे थे. इसके लिए उन लोग रेलवे स्टेशन में जाके, जो मेल ट्रेन है बाहर जाने वाली, बैठ गए. और वो ट्रेन असम जा रही थी. मेरे भाइयों बहनों, आमीन. और उन लोग उसी ट्रेन में बिना खाए पिए, ओनली जो वो नल में पानी आता है मुंह धोने के लिए, वो पानी पी के उन लोग असम तक पहुंचे. मेरे भाइयों बहनों, ओनली वाटर, नो टी, नो कॉफी, नो सैंडविच, नथिंग. हालेलुया. ऐसा जीवन इस साधु किशन सिंह हर दिन जिए. उनका हर दिन का मतलब एक स्टोरी था. आप जानते होंगे, जो विश्वास से जीते हैं उनका हर एक खाना चमत्कार से उनको मिलता है. अगला भोजन चमत्कार, अगला भोजन चमत्कार, अगला नाश्ता चमत्कार, अगला कदम चमत्कार. और चमत्कार नहीं तो उनका तो जीवन खत्म है. आमीन. ऐसे जीवन हमारे इस साधु किशन सिंह जिए. उनकी बहन शांता कौर भी उनके साथ थी. 2 साल पहले वो हमारी कलीसिया में भी आके गई. शांता कौर जिंदा थी, अभी गुजर गई, मैंने कहा 1 महीना पहला. तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे लोगों से मिले जो परमेश्वर के वचन जो लिखा है उसमें, नो पर्स, नो स्क्रिप्ट, मनी, पैसा नहीं, जूता नहीं, कुछ नहीं लिखे, ऐसे ही चलो बस. आमीन. हालेलुया. जिस किसी, 5वां वचन देखिए, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो. एंड इन टू हुज एवर हाउस यू एंटर फर्स्ट से पीस बी इन दिस हाउस. यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा. एंड इफ द सन ऑफ पीस बी देयर, योर पीस, आमीन. बोलते हैं, इफ द सन ऑफ पीस बी देयर, योर पीस शैल रेस्ट अपॉन इट, इफ नॉट इट शैल टर्न टू यू अगेन. उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना. आमीन. एंड इन द सेम हाउस रिमेन, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग सच थिंग्स एज दे गिव, फॉर द लेबर इज वर्थी ऑफ डिजायर, फॉर गो नॉट फ्रॉम हाउस टू हाउस. और इसी तरीके का जीवन इन लोग जिए. मेरे भाइयों बहनों, जिस किसी ने भी इनका स्वागत किया, उनके पास खाए पिए जिए. तो आज ऐसे महान 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 प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के दास. और उस यीशु मसीह ने एक भी कहा, 9वां वचन में देखिए, वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है. एंड हील द सिक दैट आर देरिन एंड से अनटू देम, द किंगडम ऑफ गॉड इज कम नाई अनटू यू. तुम्हारे पास परमेश्वर का राज्य आया है. मेरे भाइयों बहनों, वैसे ही वो असम में पहुँचे, वहाँ पर प्रचार करते रहे. केवल असम में नहीं रहे, वहाँ पर उन लोग ने अपना बेस बनाया. मुरान में अभी भी उन लोग का, मुरान बोल के कोई गांव है, वहाँ पर अभी भी उनका आश्रम वहाँ पर है. लेकिन पूरे भारत देश में जाके
इन लोग सेवा करते थे। और बहुत सारी कहानियां हैं इस मूवी में, आप देखने वाले हो, बहुत ही रोमांचक। हालेलुया, अनि आप बस देखते रह जाओगे। ऐसी ऐसी उनकी जीवन कहानी है मेरे भाइयों बहनों। साधु किशन सिंह जी, हालेलुया, ये परमेश्वर का महान दास, और उनकी बहन सिस्टर शांता कौर जी, आज वो प्रभु के पास उन लोग चले गए। लेकिन डैनियल की किताब 12वां अध्याय 3रा वचन कहते हैं, उन लोग सितारों जैसे अनंत काल के लिए चमकते रहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, उनकी गवाहियाँ प्रभु, जैसे प्रभु यीशु की गवाही, जैसे पेत्रस की गवाही, जैसे उसके चेलों की गवाही, आमीन, जैसे पौलुस की गवाही, जैसे साधु सुंदर सिंह की गवाही, जैसे आज और ये नई गवाही जुड़ रही है मेरे भाई बहनों, साधु किशन सिंह, हालेलुया। जैसे आप में से कई लोग साधु सुंदर सिंह की कहानी सुनकर एनकरेज हुएंगे प्रभु के साथ चलने में, आमीन। मैं भी जब जवान था मैंने भी पढ़ा, मुझे भी बहुत टच किया उनकी कहानी, साधु सुंदर सिंह जी, हालेलुया। और साधु किशन सिंह अब उनके भतीजे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, सच में ये परमेश्वर के महान दास थे, और आखिरी क्षण तक उन लोग प्रभु यीशु के लिए जिए। बहुत सारे उनको ऑफर आए प्रभु से ठुकराने के लिए, प्रभु से मुड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और प्रभु के बहुत सताव आया, बहुत परेशानी आई, बहुत तकलीफ आई, लेकिन प्रभु के साथ वो बने रहे। मेरे भाइयों बहनों, डट के बने रहे, डट के बने रहे, आमीन, हालेलुया। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे, यीशु मसीह ने कहा, आमीन। और वे वैसे ही उन्होंने किया, दोनों भाई बहनों ने, साधु किशन सिंह और शांता कौर जी ने, प्रभु जी तो इस महान परमेश्वर के दास दासी के जीवन पर ये फिल्म बनाने के लिए हम सबको आपने आशीष दिया, स्पेशली क्राइस्ट म्यूजिक एंड फिल्म्स, हालेलुया। और जितने भी उनके साथ मिलके बहुत सारे लोगों का योगदान इसमें है, बहुत सारी कलीसियाओं, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे जितने जितने लोगों ने एक्टिंग किया, ज़्यादा करके सारे एक्टर्स और जितने भी एक्ट्रेस है सब विश्वासी इसमें हैं, और कोई प्रोफेशनल एक्टर लोग नहीं है, सब प्रभु के सेवक लोग हैं, आमेन, हालेलुया। उन्होंने मिलके इस पिक्चर में एक्टिंग किया है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज आपने ये वचन सुना परमेश्वर का, कि जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो आकाश के सितारों जैसा बनेंगे, हालेलुया। यस मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आपने वचन सुना है और अपना जीवन आप प्रभु यीशु को देना चाहते हैं, तो मेरे पीछे आप ये प्रार्थना कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मैं भी आप पर भरोसा करता हूँ। प्रभु, ये परमेश्वर के दास दासियों ने जो अपना जीवन सब कुछ त्याग के, करोड़ों रुपया की जायदाद उनकी थी, प्रॉपर्टी थी, धन संपत्ति, खेत, सब कुछ छोड़ा, क्योंकि वे उसको मिलना चाहते थे जिसने दुनिया बनाई। पिता परमेश्वर, आज मैं भी अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, ऐसे बोलेंगे, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप मेरे लिए क्रूस पे मारे गए, तीसरे दिन जीवित हो गए, आज भी जिंदा है। अगर आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं इस वक्त, प्रभु यीशु कहते हैं ना, मैं द्वार पे खड़ा रह के दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, जो मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं अंदर आऊँगा, मैं उससे बात करूँगा, मैं उसके साथ खाना खाऊँगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपने ये प्रार्थना की है, प्रभु यीशु के अंदर इस वक्त आ गए, आपके जीवन में वो आ गए मेरे भाइयों बहनों, और वो हमेशा के लिए रहेंगे। उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। मेरे भाइयों बहनों, वो कभी किसी को नहीं छोड़ता, कभी कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हालेलुया। एक बार एक छोटी सी कहानी बता, एक साधु किशन सिंह को एक बार कुएं में डाला था, कोई नहीं था छुड़ाने वाला, कोई नहीं था, लेकिन जंगली चूहे उस कुएं में आए, चूहों ने आके वो रस्सी को काटा। आमीन। जब कोई इंसान मिलेगा नहीं, परमेश्वर चूहों को भेजेगा, हालेलुया, आपको छुड़ाने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया उसकी है, उसमें का सब कुछ उसका है,
और उसके आदेश पर दुनिया चलती है और उस सृष्टिकर्ता को आज आपने स्वीकारा है। बने रहो इसमें, प्रभु आपको आशीष दे। और इस ट्रेलर को देखो और इस ट्रेलर आपको अच्छा लगा शेयर करो, लोगों को शेयर करो, लोगों को देखने दो। और इस मूवी जब जल्दी आने वाली है ये मूवी, उसके लिए दुआ करते रहना पिताजी। आज हम दुआ करते रह जाइए, जो ट्रेलर हम देखने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, ये जो ट्रेलर जब रिलीज होगा प्रभु भरपूर आशीष प्रभु जी। और ये जो मूवी जो है थोड़ा बहुत उसमें काम बाकी है, वो भी फाइनल सब कुछ फटाफट हो जाए और जल्द से जल्द ये मूवी रिलीज हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते रह जा। हम सब जितने भी दर्शक देख रहे हम सब मिल के दुआ करते हैं। गॉड ब्लेस यू सारे भाई बहनों, प्रभु आपको आशीष दें। सेनाओं का यहोवा आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने चेहरे की रोशनी आप पर चमकाए, अपना चेहरा आपकी ओर मोड़कर आप पर दया करे, अनुग्रह करे, आपको शांति दे। पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ सदा के लिए बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सब लोग बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का जो वचन हमने जो सुना है, और आज के इस वचन के द्वारा मैं आशा करता हूँ जितने भी लोगों ने वचन को सुना परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। और मैं पास्टर नोएल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और सिस्टर संगीता जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज हम एक मन होकर परमेश्वर की महिमा किए और प्रभु की बड़ाई किए। और अब हम जिस विषय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने इस प्रोग्राम को रखा था कि साधु किशन सिंह का कुछ सेकेंड के समय में, कुछ सेकेंड में आप उस ट्रेलर को देखने जा रहे हैं। और मैं आप लोग से विनती करता हूं, आशा करता हूं कि जो भी आप इस ट्रेलर को देखेंगे, देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप एक दूसरे को उत्साहित कीजिएगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू, धन्यवाद। साधु जी, ईश्वर ने हमें सुख संसार की सारी सुख सुविधाएं दी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों संतान सुख से वंचित रखा है। दुखी मत हो बहन, परमेश्वर जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं, बकवास है ये सब। सुखी रहो बेटा, धन को और आप चिंता मत करिए। जी बाबा, परमेश्वर जल्द ही तुम्हारी गोद भर देगा। हमारे मालिक प्रताप सिंह के यहाँ बच्चे पैदा हुए, वो भी जुड़वा, आपको नामकरण के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बच्चे की हथेली पर क्रूस का चिन्ह है और इस चिन्ह के चारों तरफ गोलाकार घेराव है। इसका अर्थ ये है कि ये बच्चा यीशु की सेवा पूरी दुनिया में घूम घूम कर करेगा। इसका नाम किशन सिंह रखना। आओ बेटा, यहाँ बैठो। जी मां, सब कुछ यीशु के द्वारा ही चल रहा है। And glory forever. Amen. बेटा। हाँ पापा जी। आज के बाद से तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे। ज्ञानी जी, मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा आप उसको प्रदान करें ताकि उसका जीवन अच्छा हो जाए। किशन सिंह, तू मेरी बात मानेगा या ईसाई बनेगा? पिताजी, मैं अपना जीवन यीशु को दे चुका हूँ, अब उसी की सेवा करूँगा। भैया, वो कुछ गुंडे साधु जी को। तुम्हारी जान के लिए यहाँ खतरा है।